शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कभी ये नहीं बोलना, देखो एक बॉक्स है प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशन का बॉक्स होता है, कोई भी जब शादी में जाते हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को पूरा रीति से क्या करते हैं, पैक करते हैं, पैक करके उसके ऊपर क्या लगाते हैं, लेबल लगाते हैं, उसको एक रिबन से बांधते हैं। देखा है ना ऐसे बॉक्स को सभी, अभी पूरा बॉक्स के अंदर क्या है उसको देखना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले क्या खोलना पड़ेगा, रिबन, रिबन के बाद लेबल, लेबल के बाद रैपर, उसके कवर, वो रैपर के बाद सुन का बॉक्स, उस बॉक्स के बाद दूसरा बॉक्स, उस बॉक्स में हीरा। ऐसे ऐसे इस शरीर के जो रिश्ता है वो क्या है, रिबन, शरीर का रिश्ता, ये मेरा बच्चा, ये मेरा मामी, ये मेरे पापा, ये मेरा चाची, ये मेरा सास, ये सब क्या है, रिबन, इसको लिखा। लेबल क्या है, मेरा नाम रीता, मेरा नाम रानी, मेरा नाम मंजुना, ये सब क्या है, लेबल, इसको हटाओ। और रैपर क्या है, एक कपड़े, रैपर क्या है, एक कपड़े, और बॉक्स क्या है, एक चमड़ी, एक चमड़ी। इस सब निकालने का बाद बचा हुआ हीरा क्या है, शुद्ध आत्मा। इसीलिए आपको प्रैक्टिस कराया, मैं शरीर नहीं, मैं ये नाम नहीं, मैं देह नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्यों आपको ये प्रैक्टिस कराया, आपके अंदर के स्वरूप जो है, बॉक्स में रहने वाला हीरा जो है, वो हीरा आपको हाथ में लेना है, वो हाथ में आपका हीरा लेना है, तो ये सब को हटाना है, नहीं हटाना है, तो हटाना है तो कैसे हटाएंगे, अपने अनुभव के अंक से, कौन से अंक से, कौन से अंक से, कौन से अंक से, आत्मा कोई देखने का चीज नहीं, आत्मा अनुभव का चीज। मीठा को देखने से टेस्ट मिलता है, मिठास को देखने से टेस्ट मिलता है। मैं आपको शक्कर बॉटल ले आकर के ऐसे दिखाया तो उसका मिठास आपको आ जाता है। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ शक्कर मीठा है तो टेस्ट मिल जाता है, तो शक्कर आपके जीभ में डालेंगे मिल जाता है। वैसे ही आत्मा, आत्मा बोलने से कुछ नहीं आता है, आत्मा देखना है तो अंतर्मुखता के गुफा में जाना, कौन से गुफा में जाना, अंतर्मुखता की गुफा, किस दृष्टि से देखना, ज्ञान की दृष्टि। हम अनंत हैं, हम शाश्वत हैं, हम अखंड हैं, ये कौन बोला है, बाबा। ये ज्ञान का प्रकाश से खुद को क्या करना है, जागरूक करना है। किसी को मेमोरी लॉस हो जाता है, आपको पता है कोई एक माउंटेन से गिर पड़ता है तो उसको मेमोरी लॉस होता है, उसका कोई भी रिश्तेदार आकर के उसके सामने खड़े तो भी वो पहचानते नहीं, और उनका नाम पूछे तो भी वो भूल गए, उसको क्या पूछे तो भी आंसर नहीं देते, तो उसको क्या करते हैं, याद दिलाने के लिए कितना रीति से प्रयास करते हैं। तो हम सभी, मैं शुद्ध आत्मा हूं इसको भूल गए, तो इसी रीति से हम उनको भी क्या करना है, याद दिलाना, हमारे अंदर एक अहंकार प्रकट हो गया, सत्य में अहंकार नहीं था, परंधाम में अहंकार नहीं था। जब आत्मा शरीर के कनेक्शन में आया, शरीर के कनेक्शन में आया, आत्मा अपने स्वरूप को भूल गया, वह अहंकारी बन गया। अहंकार के कारण से हम खुद के स्वरूप से डिस्कनेक्ट हो गए, इसलिए हम अपने अहंकार से आत्मा का तेज ऊपर लेके जाना है, किससे ऊपर लेके जाना है,
इसलिए कौन सा पान दिया जाता है? आत्मा का पान। वो आत्मा का पान क्या है? मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं कौन सी आत्मा हूँ? आपके सीट में बैठना अच्छा रहता है या नीचे आकर के जो सीट में है उसको देखना अच्छा रहता है? क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? अपने सीट, सीट मतलब जागृति, जागृति मतलब अवेकनिंग, अवेकनिंग मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार से दृष्टि को ऊपर लेके जाना। मन क्या कर रहा है, बुद्धि क्या स्टेज पर है, चित्त कहाँ भटक रहा है, अहंकार का स्वरूप